पश्चिमी यूपी में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के स्वागत की तैयारी होने लगी है। राहुल गांधी मुरादाबाद शहर के जामा मस्जिद चौराहे से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत करेंगे। यात्रा के मार्ग का सर्वे पूरा हो गया है। गुरुवार को कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव प्रदीप नरवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 24 फरवरी की सुबह 9 बजे से भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आगाज होगा। यात्रा मुगलपुरा क्षेत्र जामा मस्जिद से शुरू होकर इंदिरा चौक, गल शहीद चौराहा, डबल फाटक, करुला, कोहिनूर, टीपी नगर होते हुए पागबड़ा होते हुए जिला अमरोहा में प्रवेश करेगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ तमाम कांग्रेस नेता मौजूद रहेंगे। इसे को लेकर लोगों में बहुत उत्साह है। यात्रा को लेकर जोरदार तैयारी चल रही है। उन्होंने कहा 24 फरवरी को मुरादाबाद की सड़कों पर जन सैलाब दिखेगा। लाखों लोग राहुल गांधी के स्वागत के लिए सड़कों पर पहुंचेंगे और पश्चिमी यूपी मुरादाबाद से भाजपा के सफाई की शुरुआत होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं 24 तारीख को मुरादाबाद सुबह 9 बजे से भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आगाज हो रहा है। 23 तारीख की रात को यात्रा मुरादाबाद पहुंचेगी और 24 तारीख को गवर्नमेंट कॉलेज चौराहे से होते हुए हम संभल चौराहे तक, फिर कोहिनूर चौराहे तक यात्रा पहुंचेगी और यहां से यात्रा फिर अमरोहा जाएगी, फिर अमरोहा से यात्रा संभल जाएगी। और लोगों में भारी उत्साह है कि हम सबके महबूब नेता राहुल गांधी जी, हम सबकी नेता प्रियंका गांधी जी, तमाम कांग्रेस की लीडरशिप 23 की रात अमरोहा पहुँच रही है और 24 तारीख को यात्रा में उनके साथ लाखों लाख लाख लोग शिरकत करेंगे। आम जनता में भारी उत्साह है और आप सब लोगों को मजबूत यात्रा देखने को मिलेगी और पश्चिमी यूपी से भाजपा की सफाई का आगाज होगा। इससे यात्रा का रूट क्या रहेगा? आपको जैसे बताया मैंने, मुरादाबाद से यात्रा जाएगी अमरोहा, अमरोहा से संभल, संभल से अमरोहा। इस यात्रा में मुरादाबाद में कौन कौन से बड़े नेता क्या? हम सबके नेता राहुल गांधी जी, हम सबकी नेत्री, हम सबकी नेता प्रियंका गांधी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी, अविनाश पांडे जी हमारे महासचिव प्रभारी, हमारे जितने CWC मेम्बरान हैं वो सब लोग रहेंगे, प्रमोद तिवारी जी, आराधा मुना मिश्रा जी, PL पुनिया जी जो इस यात्रा के संयोजक हैं, बाकी हमारे प्रदेश कमेटी के लोग यहाँ मौजूद हैं, विदित चौधरी, रिजवान जी, सुबोध शर्मा जी, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं, सचिन चौधरी जी, सभी ऐसे सही मेंबर्स, पूरी पार्टी यहाँ मौजूद रहेगी उस दिन और एक मजबूती से हम लोग यात्रा करने जा रहे हैं, पूरी ताकत से करेंगे। गठबंधन से कौन से लोग रह सकते हैं जी? गठबंधन के भी कोई और आपके साथ जुड़ने के लिए यात्रा में? मेरी जानकारी प्राप्त हुई कि अखिलेश यादव जी 25 तारीख को आगरा में रहेंगे, 24 को मुझे कोई जानकारी नहीं, 25 को रहेंगे। जहाँ मुझे चौराहे से यात्रा यहाँ कोहिनूर चौक तक आएगी, पूरे कार्यकर्ताओं में उत्साह है और हमारा विश्वास है लाखों लाख की संख्या में मुरादाबाद के लोग उत्साहित है यात्रा का स्वागत करने के लिए, भव्य स्वागत करने के लिए। और यात्रा मुरादाबाद से अमरोहा जाएगी, फिर अमरोहा से संभल जाएगी और संभल से रात का होल्ट अनूप शहर में होगा। आज जिस दौर में यात्रा आ रही है, मेरा विश्वास है कि भाजपा के सफाई की शुरुआत मुरादाबाद से होगी। राहुल जी के संदेश के साथ, प्रियंका जी के संदेश के साथ हम लोग परसों से पश्चिमी यूपी में दलितों की, पिछड़ों की, मजदूरों की जो संघर्ष की आवाज़ राहुल जी लेके निकले, परसों पश्चिमी यूपी से ताकत देने की कोशिश करेंगे। सभी कांग्रेस मजबूती से जुटेंगे और परसों सुबह 9 बजे 24 तारीख को मुरादाबाद में यात्रा प्रवेश करेंगे। ये 23 को ही आ जाएगी ना? कल 23 की रात को 24 की यात्रा चलेगी मुरादाबाद 9 बजे। रूट जो पिछला रूट था सेम रूट है, जहाँ मुझे चौराहे से संभल चौराहे तो है, चौराहे से इंदिरा चौक, शहीद गुड़ेगा चौराहा, ईदगा रोड, संभल चौराहा होते हुए कोई दूर चौराहे तक, कोई दूर से आगे अमरोहा निकल जाए, बाईपास होते हुए बाईपास होते हुए संभल रोड से संभल जाएगी।